राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बहू ऐश्वर्या राय ने आरोप लगाया कि उन्हें ससुराल से निकाल दिया गया। पति तेज प्रताप यादव से तलाक का मुकदमा लड़ रही हैं ऐश्वर्या और उन्होंने मीडिया के समक्ष आकर अपनी बातें कही, क्योंकि बहुत लंबे समय से चुप्पी साधी हुई थी और इनकी चुप्पी उस वक्त टूटी जब इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। इस बीच ऐश्वर्या राय के पिता चंद्रिका राय भी बेटी के साथ हो रहे अत्याचार पर पहली बार खुलकर बोले। उन्होंने कहा कि उन्हें शर्म आती है कि ऐसे घर में बेटी का रिश्ता कर दिया जहां उसे शादी के बाद से टॉर्चर किया जा रहा है। चंद्रिका राय ने कहा कि जब तक उनकी बेटी को न्याय नहीं मिलता तब तक वो यहां से नहीं जाएंगे। बता दें कि चंद्रिका राय राष्ट्रीय जनता पार्टी के नेता हैं और लोकसभा चुनाव 2019 में पार्टी के टिकट पर बिहार की सारण सीट से चुनाव लड़े थे। हालांकि लोकसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ऐश्वर्या को खाना नहीं मिलता था तो घर से खाना भिजवाते थे चंद्रिका राय। ऐश्वर्या राय ने मीसा भारती के खिलाफ आरोप लगाया था कि उन्हें किचन में एंट्री नहीं लेने देती, न सास न ननद। ऐश्वर्या ने कहा कि उन्हें जून महीने से खाना नहीं दिया जा रहा, उनका खाना पिता के घर से आता है। बीती रात से भी उन्हें खाना नहीं मिलता था जिसकी वजह से उन्होंने उस दिन हंगामा किया था जिस दिन ये पूरी तस्वीर सामने आई थी। उस दिन नवरात्र का पहला दिन था और ऐश्वर्या पानी में पीने के लिए जब किचन में गई तो उनसे चाबी छीन ली गई। ननद और तेज प्रताप की बड़ी बहन मीसा भारती ने ये जलील हरकत की थी। ऐश्वर्या ने बताया कि उन्हें धक्का देकर घर से निकाल दिया गया। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी है ऐश्वर्या और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया। वहां उनके पिता चंद्रिका राय और मां मौजूद थी। इसके बाद ऐश्वर्या ने बताया कि उन्हें धक्का देकर निकाल दिया गया। मामले की शिकायत के बाद महिला हेल्पलाइन की टीम वहां पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की। बाद में सचिवालय थाने की पुलिस भी पहुंची। लोग बहुत देर तक दरवाजा पीटते रहे लेकिन दरवाजा काहे को खुलता साहब, वो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री का जो दरवाजा था। गौरतलब है कि ऐश्वर्या राय लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की पत्नी हैं। तेज प्रताप यादव ने उनके खिलाफ तलाक का मुकदमा दर्ज किया है। तलाक के मुकदमे के बावजूद ऐश्वर्या अपनी सास राबड़ी देवी के साथ उनके सरकारी आवास पर रह रही थी। बीते 14 सितंबर को दोपहर ऐश्वर्या राय अचानक राबड़ी आवास से रोती हुई निकली थी तो मीडिया की टीम अचानक ही उनके तरफ मुड़ गई और मीडिया के तमाम कैमरे उनके तरफ नजर आए। और फिर क्या था, इसका एक वीडियो बना और सोशल मीडिया पर हो गया वायरल। तेज प्रताप और ऐश्वर्या की शादी 2018 में बड़े धूमधाम से हुई थी लेकिन नवंबर 2018 में तेज प्रताप यादव ने ऐश्वर्या से तलाक लेने की अर्जी फैमिली कोर्ट में दाखिल कर दी। बाद में कोर्ट के सामने ऐश्वर्या भी पेश हुई। कोर्ट का ऑर्डर है कि जब तक फैसला नहीं हो जाता ऐश्वर्या ससुराल में रहेंगी, लेकिन ससुराल में रह पाना क्या उनके लिए सेफ है, ये भी बड़ा सवाल है। और इस पर उनके पिता ने कहा है कि आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। देखने वाली बात है कि इस लड़ाई में क्या ऐश्वर्या की जीत होती है, एक पिता की पगड़ी क्या बच पाती है, क्योंकि किसी भी बेटी के लिए उसके पिता की पगड़ी बहुत मायने रखती है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस बेटी की लड़ाई में पिता की पगड़ी बचती है या फिर उछल जाती है, क्योंकि ये अब लाज की बात हो गई है, यादव कुल की लाज की बात। इस पर क्या कहेंगे आप? तमाम दर्शकों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द दें प्रतिक्रिया की यादवों की, जो ये कन्या है ऐश्वर्या राय, इनकी लाज कैसे बचेगी। कलयुग में द्रौपदी की लाज बचाने के लिए भगवान कृष्ण आए थे तो इस बार कौन आएगा। हालांकि यहां तो खुद ऐश्वर्या राय के पति कृष्ण के अवतार में नजर आ जाते थे और यही था कलह कलेश का मेन मुद्दा। तो इस ऐश्वर्या को बचाएगा कौन? जल्द से जल्द दे अपनी प्रतिक्रिया और कमेंट्स करें। नेक्स्ट 9 भोजपुरिया के लिए शशि प्रिया सिंह की रिपोर्ट। नेक्स्ट 9 न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।